इंस्टेंट बादाम मिल्क और मिल्क शेक। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बादाम मिल्क शेक बनाना। सबसे पहले हम इसके लिए एक पाउडर बना के रखेंगे। उस पाउडर को आप आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन किया आप झटपट इस मिल्क शेक को बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और इसे आप इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं। तो आइए चलिए इसे हम आज सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1/2 कप बादाम और 1 टेबलस्पून खसखस लिया है और थोड़ा सा केसर लिया है। चलिए इसे अब ग्राइंड कर लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम मिक्सर जार में डाल लेंगे और ध्यान रखिएगा इसे ग्राइंड करने में ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि खसखस पीसने में ज़्यादा वक्त लगाता है। तो उसमें उसे ध्यान में रखते हुए हम इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक पीसेंगे और इसको एक बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये एकदम बारीक पीस चुका है। देखिए कितना बारीक पीसा है। आप इसको अब फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मिल्क शेक पीने का मन करे इसे फटाफट निकालिए और दूध के साथ मिक्स करके पी लीजिए। और ये काफ़ी दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रखा जा सकता है। तो आइए मिल्क शेक बनाते हैं। आप एक मिक्सर का जार लीजिए, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ये मिक्स इंस्टेंट मिक्स मिला दिया है और अब इसके अंदर मैं चिल्ड मिल्क मिलाऊंगी। 1 गिलास चिल्ड दूध, आप चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बर्फ नहीं डाला है, मुझे ये इसी तरह से पसंद है। तो आइए इसको अब मिक्सर में चला लेते हैं। मिक्सर में चलाने के बाद हमारा मिल्क शेक एकदम रेडी है और देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। केसर की वजह से इसमें ये कलर आया है। ये पीने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो आपके घर जब भी अगली बार मेहमान आए आप ये बादाम मिल्क शेक ज़रूर उनको पिलाएं। इसे हम बादाम से गार्निश कर सकते हैं और साथ में इसमें थोड़ा सा ऊपर से केसर भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मिल्क शेक। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी पिलाएं। बच्चों के लिए ये मिल्क शेक बहुत ही हेल्दी है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।